तो गाइज आज हम जो करेंगे, सबसे पहले हमने सिंटेक्स के बारे में पढ़ा कि सिंटेक्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, सिंटेक्स में हमने बहुत सी चीजों के बारे में जाना कि कौन सी चीज हमें कहाँ पर यूज करनी है। लाइक अगर हमारे पास कोई पर्सन्स होंगे, अगर आपको वॉइस में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि आपको कोई चीज ऐसा है कि क्लियर ना पता चल रहा हो, तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है। ठीक है, तो हाँ जी, जैसे कि मैंने कहा, हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था सिंटेक्स के बारे में। तो सिंटेक्स में मैंने आप लोगों को मेन, अगर हम फोकस करें एक पॉइंट के ऊपर, तो हमें वही ध्यान देना है कि अगर आपके पास जो भी सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन कोई भी चीज है, अगर वो सिंगुलर है तो आपकी वर्ब जो है वो भी आपकी सिंगुलर ही यूज होगी, और यदि आपका जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल वर्ब कैसे बनती है, वो मैंने आप लोगों को सभी को अच्छे से जो है वो बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो आज गाइज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि आर्टिकल जो है, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम आज जो है वो आर्टिकल्स की देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर उसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स से आप क्या समझते हो कि आर्टिकल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, बताएंगे मुझे? आर्टिकल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, आप मुझे उनके नाम बताइए फटाफट से बताइए। आर्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े हैं, एग्जाम में फिल करने के लिए आते हैं, जो भी एग्जाम होता है आप लोग देखते हैं ना कि ये आपके पास जो है वो आर्टिकल में ऑप्शंस है, इस तरीके से आपने फिल करनी होती है। ठीक है, ए एन और द होते हैं। जी राजन, बिल्कुल सही। तो जो आपके पास क्या होते हैं आर्टिकल्स में, मैंने आपको बोला ए है, एन है और जो द है, इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे एक प्रकार से क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स भी हम इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स भी कहते हैं इन्हीं आर्टिकल्स को। ठीक है, बात आती है कि ये होते कहाँ पर यूज है, ये हमारे पास जो है वो बिफोर नाउन हम इनका यूज करते हैं। आर्टिकल या एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इनका यूज नाउन से पहले होता है, जहां पर भी हमें आर्टिकल्स का यूज करना हो वहां पर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इनका यूज जो है कैसे होता है, हम इन्हें कैसे कहते हैं कि ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं डिटरमिनर्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, NERS। ठीक है, NERS, DETERMINERS। ठीक है, डिटरमिनर्स जो है इन्हें हम कहेंगे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, क्या कहेंगे, डिटरमिनर्स कहेंगे, जो आपके जो भी ये एडजेक्टिव या फिर आप इन्हें आर्टिकल कहो। ठीक है, मेन बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो ए एंड द है ये आपके पास आर्टिकल है, और इनकी पोजीशन क्या है, बिफोर नाउन हम इनका यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना यहां तक सभी ने अच्छे से देख लिया। अब बात आती है कि जो आर्टिकल्स है इसके कितने टाइप्स है। आर्टिकल्स हमारे पास जो है गाइस, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स कौन कौन से हैं आर्टिकल के। एक होता है जिसे हम कहते हैं इनडेफिनिट, ठीक है, और एक होता है डेफिनिट। ठीक है, एक है आपके पास इनडेफिनिट और दूसरा है आपके पास डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट में क्या चीजें होती हैं, जो चीजें डेफिनिट नहीं होती है कभी भी, एक निश्चित नहीं होती है, यानी कि मैं हिंदी में अगर बताना चाहूं तो मैं कह सकती हूँ जो अनिश्चित है और जो डेफिनिट है वो हो गया निश्चित। जैसे किसी नदी का नाम है तो वो एक डेफिनेट रिवर के बारे में बात हो रही है, एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात है, एक पर्टिकुलर होटल का नेम है, एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, तो वहां के लिए क्या है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, लेकिन जो चीजें पर्टिकुलर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, उन्हें हम कहेंगे इनडेफिनिट। ठीक है जी, तो अब बताओ इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। आपके पास आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव तो तीन ही है,
लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल है और इनडेफिनिट है वो कौन कौन सा होगा? बिल्कुल सही नीरज, यहाँ पर जो इनडेफिनिट है उसमें आ जाएंगे आपके ए और एन, और जो चीजें डेफिनेट है उनके साथ हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल, द हो गया डेफिनेट, बिल्कुल सही। यहां तक आप सभी को अच्छे से पता है, ये बेसिक सी चीजें हैं, इनके बारे में आपको पता भी होगा। ठीक है, अब हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले कि पोजीशन देखनी है हमने कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास है, देयर वॉज अ किंग, आपके पास एग्जाम्पल है देयर वॉज अ किंग, ये जो है आपके पास लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये ए आर्टिकल का यूज किया है यहाँ पर, इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो किंग है इसे हम क्या कहेंगे? नाउन। हम पोजीशन देख के बता सकते हैं कि नाउन से पहले ए लगा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, नाउन से पहले आपके पास आर्टिकल लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है कि एरर करेक्शन के लिए कई बार वर्ड्स आते हैं। अब यहाँ पर एक तो आपको रूल पता होना चाहिए कि आपके पास अ किंग क्यों लग रहा है, दूसरा ये पता होना चाहिए अगर आपके पास आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पर जो है अ शी लगा हुआ होता है ना, तो यानी कि शी आपके पास प्रोनाउन है, लेकिन नाउन से पहले आपके पास जो है वो आर्टिकल का यूज होता है, ना कि प्रोनाउन से पहले होता है। तो ये चीजें जो है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो है वो इन सारी चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, बोलो फटाफट से, हैशटैग सेंड करेंगे अगर यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो फटाफट से हैशटैग सेंड करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बताइए फटाफट से। ओके ठीक है जी, अब हम बात करेंगे कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उसकी क्या पहचान है। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है? फर्स्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आपको पता ही है सभी को कि ए और एन का हम यूज करते हैं। अब जो ए और एन है, सबसे पहले आपको ये भी पता होगा कि ए जो है वो किसके साथ यूज किया जाता है? कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, किसके साथ यूज किया जाता है? कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज किया जाता है। और जो एन है वो वॉवल्स के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक रूल आपको बताया कि ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट्स एंड एन इज यूज्ड विद वॉवल्स। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आपके पास है डैश यूरोपियन डैश यूनियन डैश अम्ब्रेला डैश वन आइड मैन। ठीक है, आपने जो है ये चार क्वेश्चन है इनको फिल करना है कि कहाँ पर कौन सी आर्टिकल का हम यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आपके पास कहाँ यूज होंगे? अ यूरोपियन एंड अम्ब्रेला। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ रहे हैं। फर्स्ट में ए होगा, ओके वेरी गुड, ए यूनियन हो जाएगा। थर्ड में एन बता रहे हैं, ओके काफी हद तक अच्छे से आंसर आप लोग कर रहे हो, और फोर्थ में ए हो जाएगा, वन अ वन आइड। ओके अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले, देखो मुझे पता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पहले से है, तभी आप लोगों ने ये सही किया, नहीं तो अगर आप सिंपल वॉबल देखते तो ये भी वॉबल है, ये भी वॉबल है, ये भी वॉबल है, ये भी वॉबल है। अगर आपको समझ नहीं होती तो आप हर जगह पर एन फिल करते। एक रूल तो हमने ये कहा कि ये होगा, लेकिन दूसरा रूल भी है, हर दोनों चीजों में एक दूसरा रूल भी होता है। आपको एक बात याद रखनी है कि आपको साउंड जो भी इसका देखना है वो कौन सा देखना है, जो हिंदी के साउंड्स है वो आप लोगों ने देखने। जैसे यूरोपियन है तो आप यूरोपियन, यू आप जो है वो किसका देखेंगे? हिंदी का देखा। यूनियन लिखा जाता है वो भी इस तरीके से लिखा जाता है, अम्ब्रेला लिखा जाता है अ है, वन आइड मैन है तो ये अ नहीं आएगा, ये क्या आता है? व।
वन नाइट मैन मतलब व आता है। तो यहाँ पर जो स्वर है और व्यंजन आप लोगों ने हिंदी में पढ़े हुए हैं ना, तो वो वाले साउंड आपको देखने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक है जो कि किसका साउंड लिए हुए है, स्वरों का। तो यहाँ पर आपके पास एन आएगा, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर भी ए आएगा। ठीक है, जो हिंदी के साउंड देखने हैं जो अ से लेकर अ तक के आते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एन लगेगा। उसके अलावा जितने भी हैं वो क्या साउंड दे रहे हैं, इंग्लिश में नहीं देखना है, इंग्लिश में देखेंगे कि ये वॉवल है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के साउंड से आप लोगों ने जज करना है हर एक चीज को। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपके पास जो सेकंड सेकंड रूल आएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि वॉवल हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल्स हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, उनके साथ भी क्या यूज करोगे, जो वॉबल है, देखो ये वॉबल है लेकिन साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है, और यहां पर लिख लोगे कॉन्सोनेंट हैविंग वॉबल साउंड, कॉन्सोनेंट हैविंग वॉबल साउंड, ऐसे कॉन्सोनेंट जो साउंड किसका दे रहे हो, वॉबल का दे रहे हो। ठीक है, तो उसके साथ आप क्या करोगे, एन यूज करोगे। जैसे आपके पास है डैश ऑनेस्ट मैन, आपके पास एग्जाम्पल है डैश ऑनेस्ट मैन, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताएंगे मुझे फटाफट से, डैश ऑनेस्ट मैन जो है वो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसे लिखेंगे ऑनेस्ट इस तरीके से लिखा जाता है और ओ भी आपके पास स्वर है, हिंदी में साउंड देखा तो ये कौन सा आया, जिसके साथ एन यूज होगा। तो ये इसके दो रूल है, ये इसके दो रूल है, आपको पता होना चाहिए। कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है लेकिन वॉवल्स हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ भी ए का यूज होगा, वॉवल्स के साथ एन का यूज होता है, कॉन्सोनेंट हैविंग वॉवल साउंड, जो कॉन्सोनेंट है जो वॉवल साउंड देते हैं उनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, सिंपल सही करना जो है आप लोगों ने अच्छे से देख लिया कि कैसे आप लोग तो यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है मैम, यूरोपियन में ई, हाँ जी क्या क्वेश्चन है, यूरोपियन में ई वॉबल और साउंड भी वॉबल का है, फिर कैसे पता लगाएंगे कहाँ पर आ रहा है साउंड इसका ई, यूरोपियन में य है, य है और ये व्यंजन है यूरोपियन का य, हिंदी का साउंड देखना है आपने। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूनियन था, ये भी य का साउंड दे रहा है, यूरोपियन में यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, यूरोपियन आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है, तो ये साउंड किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन सॉरी ए का यूज किया है। बताइए फटाफट से क्लियर है कि नहीं, जिनका ये क्वेश्चन था बात क्लियर हुई, बताए फटाफट से। ओके हाँ जी ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। मैंने आप लोगों को कहा कभी भी आप एरर डिटेक्ट करते हो तो आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि नाउन से पहले आपके पास डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट क्या इनडेफिनेट क्या दोनों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होगा, लेकिन सॉरी माइक्स को म्यूट करेंगे पहले प्लीज, अपने अपने माइक्स को म्यूट रखा करें जब भी आप लोगों की क्लास लगती है। ओके हाँ जी, मैं आपको पोजीशन बता दी थी, फर्स्ट रूल आपके पास पोजीशन में आता है कि अगर ए है एन है और जो आपका द है वो कब लगेगा, जब आपके पास जो है वो नाउन होगा, तो आपके पास एक पोजीशन तो ये होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई हैव डैश बुक, कौन सा आर्टिकल फिल होगा यहाँ पर, आई हैव डैश बुक, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा बताएंगे मुझे, आई हैव डैश बुक यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल अ आएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास नाउन है और ये क्या है यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज हुआ है। ओके तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल यहाँ तक क्लियर। आई हैव अ बुक जो है यहाँ पर फर्स्ट रूल है,
एन द प्लस उसके साथ जो है वो नाउन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ए एंड और द यहां पर नाउन है, लेकिन नाउन से पहले अगर आपके पास एडजेक्टिव भी देखने को मिले, एडजेक्टिव भी होगा, तब भी आप जो है वो ए एंड द का यूज कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे अगर हमें एडजेक्टिव यूज करना है, आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है कि नाउन और प्रोनाउन कैसा है। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, मैंने कहा शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर? आप देख पा रहे हो कि गर्ल जो है एक किसके बारे में बताया जा रहा है, कॉमन जेंडर के, कॉमन नाउन के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन है तो नाउन ही, कैसी गर्ल के बारे में, इंटेलिजेंट गर्ल के बारे में, तो ये इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, ये हो गया इसका एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है ए एंड द में से एक चीज यूज होगी, तो आपने हिंदी में देखना है इसको लिखकर, इंटेलिजेंट है तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आपके पास लगना चाहिए, तो यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है गाइस, यहाँ पर हो जाएगा आपका एंड इंटेलिजेंट गर्ल हो जाएगा। ठीक है, दो रूल आपने अच्छे से देख लिए कि आपके पास एडजेक्टिव के साथ भी लगेगा, लेकिन अगर मैं इसे लिखूं शी इज डैश, आगे एक फॉर्मेट ही बता देती हूं मैं आपको, अगर आपके पास देखो जो एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसको क्या कहते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला, तो वो आपका होता है एडवर्ब। ठीक है, जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यानी कि अगर ए एंड द है, उसके बाद आपके पास एडवर्ब लगा हुआ है, एडवर्ब के बाद अगर आपके पास एडजेक्टिव लगा हुआ है और उसके बाद नाउन है, तब भी आपके पास जो है वो सही होगा। फॉर्मेट इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ शी इज डैश वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, आप देख रहे हो पोजीशन जो है वो चेंज क्यों हो रही है, आर्टिकल चेंज क्यों हो रहा है, बाकी सारा सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर अब कुछ और है, इससे पहले आपने यूज करना है अब। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एडजेक्टिव को देखकर चेंज करेंगे, यहाँ हमने ये देखा जो इसके तुरंत बाद था, यहाँ हम ये देखेंगे जो इसके तुरंत बाद है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल होगा भी कि नहीं होगा वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तब आपके पास जो है यहाँ पर आर्टिकल लग सकता है। तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल जो है यहाँ पर सही होगा कि नहीं, बोलो फटाफट से, ए हो जाएगा। वेरी गुड, यहां पर क्या आर्टिकल आ जाएगा, अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब आप देखोगे ये जो वेरी वर्ड है ना, ये क्यों किया जाता है, मतलब अगर मैं ये वाला वर्ड ना लिखूं साथ में, वेरी गर्ल इतना ही लिखूं, मतलब बीच में एडजेक्टिव का यूज ना किया जाए, तो क्या होगा, जैसे दिस इज द वेरी गर्ल, दिस इज द वेरी गर्ल, यहां पर लिख देती हूँ This is the very girl. अब यहाँ पर जो very है, very का मतलब है वही, same. This is the very girl. ये वही लड़की है. Very girl का मतलब हुआ कि इस noun के ऊपर जो है वो stress डालने के लिए use किया जा रहा है आपका very word. This is the very girl. यानी कि noun के ऊपर जब हमें stress डालना हो, तभी हम जो है इसका यूज करेंगे, द वेरी का, शी इज द वेरी लगा हुआ है यहाँ पर, तो द वेरी कब होगा, जब नाउन के ऊपर स्ट्रेस डालना होगा, तब आपके पास जो है वो द वेरी होगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, यहाँ वेरी है, यहाँ पर द वेरी है, तो स्ट्रेस डालने के लिए वो भी नाउन के ऊपर, इस गर्ल के ऊपर, द वेरी गर्ल, वही गर्ल, सेम टू सेम। ठीक है, बात समझ आ रही है, तब आप इसका जो है वो यूज करो। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पर आपके पास जो है वो आर्टिकल्स आप यूज कर सकते हैं, नाउन से पहले क्या होना चाहिए, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, यहां तक सबको अच्छे से समझ आ गया,
आगे बात करते हैं। अगर किसी को डाउट है साथ साथ में पूछते चलिए, साथ साथ में क्लियर करवाती हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास है सच अ गर्ल, सच अ गर्ल, व्हाट अ फूल, सच अ गर्ल, व्हाट अ फूल, दो एग्जाम्पल है आपके पास। आप देख पा रहे हो यहाँ सच लगा हुआ है, यहाँ पर व्हाट लगा हुआ है, लेकिन जो आर्टिकल लगा हुआ है वो यहाँ पर फूल है, यहाँ गर्ल है, तो दोनों आपके पास क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है, जैसे आपके पास सच हो गया, व्हाट हो गया, मैनी, रादर, हाफ, मैनी, रादर, हाफ, ठीक है, ये आपके पास वर्ड है। उसके बाद मतलब ये सच और व्हाट ये भी इंक्लूड करेंगे आप इसमें, मैनी, रादर, हाफ, प्लस आपके पास जो है वो ए आर एन लगा हुआ हो और साथ में अगर नाउन लगा हुआ हो, तो यहां पर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, यानी कि ए और एन आपके पास ये वाले अगर वर्ड्स होंगे तो इनके साथ भी आप यूज कर सकते हो अपने इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट की बात नहीं कर रही हूं, इनडेफिनिट की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके अलावा देखेंगे, अगर सेम वही बात आ जाती है, जितने भी हमने वर्ड किए, रैदर हो गया, एक आपको यहां पर जो है एक वर्ड और ऐड करेंगे जो नेक्स्ट रूल में हम देखेंगे। आपके पास है सच है, व्हाट है, रैदर है, मैनी है और हाफ है, इसमें आप एक और वर्ड ऐड करेंगे नेक्स्ट रूल में, क्वाइट वर्ड का यूज करो। ठीक है, जैसे सच है, व्हाट है, मैनी है, रैदर है, क्वाइट वर्ड का यूज करोगे, हाफ का यूज नहीं करोगे। ठीक है, क्वाइट वर्ड है। उसके अलावा आप यहां पर देखोगे कि अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है, साथ में आपके पास ए और एन है और साथ में नाउन है, ठीक है, प्लस के बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ए और एन है, एडजेक्टिव है और उसके बाद जो है वो नाउन लगा हुआ है, इनकी पोजीशन मैंने आगे पीछे बता दिया आपको। ठीक है, ए एन हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव होगा प्लस नाउन होगा। पहले भी हमने यही चीजें की कि पहले आपके पास इन सबके बाद एन होगा, एन मीन्स नाउन होगा, यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले ए और एन होगा, इससे पहले अगर ये चीजें लगी हुई हैं तब भी आपके पास जो है वो सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। अगर हमें क्या देखना है, आर्टिकल से रिलेटेड एरर को देखना है। बात समझ में आ गई यहां तक कि नहीं? जैसे मैनी अ गुड बुक, मैंने कहा मैनी अ गुड बुक, यहां पर लगा पता, तो ये नाउन हो गया, गुड आपके पास जो है वो एडजेक्टिव हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया और ये आपके जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है जी, अगर हम बात करें कि हमें द का यूज भी करना है तो वो कहां पर होगा, जैसे ऑल है, बोथ है, स्लैश करेंगे प्लस नहीं, ठीक है, ऑल है, बोथ है, डबल है, इनके साथ आप किसका यूज करोगे, द प्लस नाउन, ये फॉर्मेट आपने याद रखना है। आप द का यूज कब करोगे, ऑल, बोथ, डबल, उसके बाद द होगा और आपके पास नाउन होगा। जैसे आप यूज करते हैं ना, बोथ द बॉयज वर प्लेइंग, बोथ द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, हम बोल देते हैं ना, तो यहां पर नाउन है, यहां पर आपके पास डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, यहां पर बोथ है, तो ऑल, बोथ, डबल, उसके बाद अगर आर्टिकल आना होगा तो द आएगा और आगे आपके पास नाउन होना चाहिए। तो एरर डिटेक्शन में भी आप लोगों की ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप इनको अच्छे से याद रखोगे तब। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये जो है अगर इस तरीके से होगा ना, ऑल, द और उसके बाद नाउन होगा, तो ये क्लास का बोध नहीं कराता है, इससे पर्टिकुलर व्यक्तियों और जातियों का बोध होता है। जैसे ऑल द बॉयज, बोथ द बॉयज, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में पता चलता है इससे हमें। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक।
तो ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट, ये भी आपके पास जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में यूज होंगे। ठीक है, ऑल बोथ, उसके बाद डबल आप लोगों को लिखवाया था। और अगर आपके पास जैसे जस्ट है या एग्जैक्टली वर्ड है, तो ये भी आपके पास इसी फॉर्मेट में यूज होंगे कि पहले ये वर्ड होंगे, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, फिर आपका नाउन का यूज होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो बताओ आप सभी को अच्छे से समझ में आया कि हमने जितना भी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि नहीं, चीजें यहां तक क्लियर हुई कि नहीं, कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? तो फटाफट से जो है वो हैशटैग के थ्रू जो है मुझे अपने अपने आंसर्स करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम पे ये देख रहे हैं, जिनका फर्स्ट टाइम है आर्टिकल का, ओके थैंक यू। चलिए तो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू लाइक।